सो जैन गिनेट्स, कैसा बढ़िया हो गए? थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस आएगा तो प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा। डेफिनेटली चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, आप बस 5 मिनट प्लीज़ दे दीजिएगा वीडियो को, और आपको बहुत सारे वीडियोज़ नहीं देखने पड़ेंगे। डेफिनेटली मैं आप सभी को बता दूँ, जिस दिन इंडियन नेवी का एग्ज़ाम फिनिश हुआ था उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, और मैंने ये भी कहा था कि रिजल्ट के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि चीज़ें जैसे लास्ट टाइम हुआ था उसी बेसिस पे इस बार भी होनी है। लेकिन बीच में घटना घटित हुई और ऑफिशियल वेबसाइट लगभग 1.5 दिन क्रैश टाइप में, मेंटेनेंस टाइप में रही, और उसके बाद फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन का ऑप्शन डिसेबल हो गया, और वहाँ पे हम लॉगिन करते हैं तो लिख के आने लगा कि भैया ये ऐसा नहीं लिख गया, लेकिन ये लिख के आने लगा कि हाँ वेटिंग फॉर रिजल्ट या फिर सेकेंड एग्जाम से रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट, वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब फेस फर्स्ट से रिजल्ट रिलेटेड वहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें दिखा रहा था। बट हाँ, अभी मतलब लगभग 3 से 4 दिन हो गए, कल की डेट में पूरा का पूरा साइट बनना मेंटेनेंस था, लॉगिन ही नहीं हो रहा था, मतलब ओपन ही नहीं हो रहा था, फ्रंट पेज होम पेज ही नहीं आ रहा था, तो कैंडिडेट को लग रहा था रिजल्ट का। मैं चीज़ें क्लियर बता देता हूँ। देखो भाई, अगर ऑफिशियल मेरिट की बात करता हूँ तो मेरिट आपकी आएगी अक्टूबर पे, मतलब अक्टूबर में फाइनल आपका हो जाएगा, ठीक है? कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई। जुलाई ख़त्म मानो 2-3 दिन बाद, अगस्त सितंबर, 2 महीने में सारा का सारा प्रोसेस होना है, जिसमें आपका ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में सारा का सारा हो जाता है, क्योंकि मतलब मेडिकल होता है तो रिमेडिकल भी तो मिलता है ना, जिनको मेडिकल तो नहीं, मेडिकल के लिए मिनिमम 21 दिन। तो मान लो जो कैंडिडेट पीछे का कैंडिडेट होगा, अक्टूबर में मेरिट आनी है, जो कैंडिडेट पीछे का होगा, आई मीन पीछे समझ रहे हो कि जैसे कि 20 सितंबर के किसी का लगा, तो उससे उसके बाद 20 दिन काउंट करना, क्योंकि उसे 21 दिन का नहीं मेडिकल मिलेगा, ठीक है? तो इस बेसिस पे चीज़ें जो हैं ज़्यादा डिले नहीं होने वाली। अब मैं आपको पहले पीछे वाला डाटा ऑलरेडी ही बता चुका हूँ, सो पीछे वाला डाटा मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ में शेयर कर चुका हूँ, क्या मैंने बताया तो फिर से वही चीज़ बता देता हूँ, और उसी बेसिस पे चीज़ें होंगी। अभी अभी मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है भाई, अगले 2-4-5 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है? और कुछ कैंडिडेट ने टेलीग्राम पर दिन भर वो एक दूसरे को पिंच करते रहे, भैया रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं, भैया वो यूट्यूब वाले ये बता रहे, वो यूट्यूब वाले सब ऐसे बताते हैं। भाई इतने वीडियोज़ बेमतलब में क्यों देखते हो? सिंपल सी बात है, अपना फेस सेकंड की तैयारी करो। अगर आपको लग रहा है कि ठीक ठाक मार्क बन के आ जाएंगे, स्पेशली यूपी के, बिहार के, हरियाणा के, राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं, ये अगर आप भाई अगर 30 से 35 नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मतलब पढ़ाई फिर मतलब कहाँ 30-35 नंबर। हरियाणा की कैंडिडेट जो है उनको तो मैं बता दूं भाई, आपके स्टेट का कट ऑफ 65-70 नंबर तक गया 100 में, ठीक है? और आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? तो फिर आप एक दूसरे से पूछ रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, डाउट में हो। और मैं आपको अगर प्रीवियस डाटा शेयर करूँ, डेटा शेयर करूँ, तो भाई डेफिनेटली आपको फरवरी में 7 से 10 फरवरी मतलब एग्ज़ाम हुआ था, और 25 से 26 मार्च को आपको जाके मेरिट मतलब वो आने स्टार्ट हो गए थे मैसेजेस, ठीक है? फिर वो प्रोसेस काफ़ी दिन चला, धीरे धीरे करके आपको फेस सेकंड एग्ज़ाम के लिए हाँ ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। तो इस बार भी वही मुझे अंदाज़ा था कि लगभग 30 से 40 दिन, बिकॉज ऑफिशियल पे मेंशन कर रखा है आफ्टर 30 डेज रिजल्ट का, लेकिन इस बार वो एक थोड़ा सा वो अपडेट है, और मुझे मैंने भी एक वीडियो बना दिया था शाम को, कि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे भाई आ सकता है क्या रिजल्ट, आ सकता है क्या, एक्साइटमेंट था, तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं, नहीं आया फाइनली। तो अब वो वाली चीज़ आप भूल जाओ कि कुछ ऐसा होगा। मेरा पर्सनल मानना है, आप सभी का जो एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में मेरिट आनी है, 2 महीने का टाइम है, फिर सेकंड एग्ज़ाम होना है, फिर सेकंड एग्ज़ाम का मेडिकल मतलब होगा, उसी को री मेडिकल का टाइम मिलेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब आपका 60 डेज में सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होना है, ठीक है? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए अब कुछ ज़्यादा डिले खैर नहीं है आपको। वैसे तो मैं बता देता हूँ कि लगभग पिछली बार 40 दिनों में आया था, लेकिन इस बार कुछ इतना डिले नहीं होगा, ठीक है? इस बार कुछ इतना कि भैया बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे, बट आई एम प्रिटी श्योर, मुझे ऐसा, ठीक है? तो ये आलू सब्जी भी बेच के ही मानेंगे सारा का सारा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम डिस्कस कर लेते हैं चीज़ें और बढ़ते चलते हैं, ठीक है? तो मेरा क्या कहना है, अब मैं लास्ट मैंने बताया कि भैया 10 फरवरी का रिजल्ट आपका मार्च में आया था जाके, लगभग 30 से 40 दिन बाद आपका रिजल्ट आया, वही एक्सपेक्टेंसी इस बार भी थी, लेकिन वो बीच में वो आया और आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो गया। तो इस बार भी मुझे यही लग रहा था, और मैंने वही चीज़ आप सभी को बताई थी। मैं बस आप सभी को एक चीज़ बोलने आया था कि आप सभी फेस सेकेंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो। आप किसी भी स्टेट से हो, गर्ल्स का अगर बात करता हूँ, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, अगर आप इन स्टेट से हो, 25 से नंबर, ठीक है? तो 30 से 35 अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, अगर मैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बोलूँ, किसी भी स्टेट से बोलूँ,
ऑल ओवर इंडिया। तो अगर 30 नंबर स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि फिजिकल डिफिकल्ट है इंडियन नेवी का 6:30 मिनट में, और वो जानबूझ के कैंप कैंडिडेट को नहीं बुलाएंगे, और मे भी हो सकता है अगर दोनों इनटेक के कैंडिडेट को वो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो और भी ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाए। यूपी बिहार पे 25 नंबर हो सकता है कट ऑफ चला जाए मेल कैंडिडेट का, तो और 30-35 से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। 35 मैंने बहुत बता रहा हूँ भाई, 35 नहीं जाएगा, बट फिर भी एक बोल दे रहा हूँ कि अब हाँ 35 तक होगा तो बहुत अच्छा स्कोर है, आप नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करो। मे भी रिजल्ट अभी नहीं आएगा, लगभग 15 दिन तक रिजल्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब गट्स फीलिंग आ रही कि 10 से 15 दिन आपका रिजल्ट और नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा फिर सेकंड एग्ज़ाम के लिए। फिजिकल के लिए आप 6.5 मिनट में रनिंग नहीं कंप्लीट कर पाओगे, तो अभी से आप फिजिकल के लिए रनिंग करने जा सकते हो, फिर सेकंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में लग सकते हो। कोशिश करता हूँ कि मैं आप सभी को थोड़ा सा मतलब गाइड कर पाऊँ कि हाँ ये प्रोसेस होता है, फिर सेकंड एग्ज़ाम पे मैं आपको बता दूंगा उसके लिए आप लोगों, ठीक है। और आपको ये स्कोर मैंने एक आइडिया दिया कि 30 से 35 के बीच में स्कोर आ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम 15 अगस्त तक मान सकते हो, बहुत ज़्यादा 15 अगस्त नहीं तो 10 अगस्त तक आपका रिजल्ट आएगा। अभी रिजल्ट 1 से 2 दिन में नहीं आ रहा है, अगर कुछ भी अपडेट होगा तो टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पर डेफिनेटली आप सभी को इन्फॉर्म करूँगा। तब तक आप 20 वीडियो या फिर चाहे कुछ भी देखो या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हुआ आपका रिजल्ट का एक अपडेट, ठीक है। फिर सेकंड एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये दूसरा अपडेट है। तो अभी से लग सकते हो क्योंकि फिर सेकंड एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपका मेरिट बनेगा। फेज फर्स्ट तो केवल क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाइंग मतलब 30 से 35 नंबर लाए, काम खत्म, उसका यहाँ पे ऐसे कट लगा दिया जाएगा। फिजिकल की रनिंग की तैयारी करो, फिर मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, कोई कैरी है तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से वही बात, 10 अगस्त तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिजल्ट आएगा। फेज सेकंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, फेज फर्स्ट का बोल जाओ, ठीक है। फेज फर्स्ट मतलब अभी आएगा, रिजल्ट आ जाएगा उसका, अगर आपका नाम हुआ लिस्ट में, आपके मार्क्स थोड़े 30 से 35 बनाए होंगे आपने, कुछ कुछ स्टेट का, गुजरात का हो गया, असम का हो गया, या फिर आप साउथ के कुछ स्टेट बात कर लेते हैं, यहाँ पर भाई 15-15 नंबर, 10-10-15-15 नंबर पर आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो मैं कट ऑफ का वीडियो भी अब लाने वाला हूँ, क्योंकि कट ऑफ पे मैंने कोई बात नहीं करी, पोल वगैरह भी कर रहा था टेलीग्राम पे, तो हम उस पर भी जरूर बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। इन्फॉर्मेशन जैसी भी लगी हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है उसका यूज करिएगा। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।